स्वागत है मेरे चैनल थिंक टेक्निकल में। मेरा नाम है प्रवीण। फ्रेंड्स, अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं और टिकटॉक का डेटा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। टिकटॉक का डेटा कैसे सेव करना है वो भी सिंपल स्टेप फॉलो करके आपको बताने वाला हूँ मैं। एक मिनट में आप अपने टिकटॉक का डाटा सेव कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा देर तक आप टिकटॉक चला पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। टिकटॉक का डाटा सेव करने के लिए सबसे पहले टिकटॉक ओपन कर लेंगे। टिकटॉक ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है जहां पर मी लिखा हुआ नीचे पर। जैसे ही अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे आपको साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, साइड में ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रोल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। नीचे ऑप्शन आएगा डाटा सेव का, डाटा सेव के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। डाटा सेव का ऑप्शन आ रहा है, डाटा सेव के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना है। इसके बाद आपका डाटा कम यूज़ होगा टिकटॉक में और टिकटॉक भी ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।